मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 120 किलोमीटर दूर विदिशा जिले के गंज बासोदा के लाल पठार गांव में बड़ा हादसा हुआ है, जहां कुएं में एक बच्चे के गिरने के बाद उसे निकालने पहुंचे लोगों की भीड़ की वजह से कुआं भी धस गया, जिसके चलते 20 से ज्यादा लोग उस कुएं के अंदर गिर गए। अब तक NDRF, SDRF और स्थानीय प्रशासन की टीम 8 घंटों से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में तकरीबन 16 लोगों को बाहर निकाल चुकी है। तेरह लोग लापता हैं और 3 की मौत हो चुकी है, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तत्काल जैसे जानकारी मिली, राहत और बचाव कार्य के लिए भोपाल से भी NDRF की टीम, SDRF की टीम रवाना हो गई, कमिश्नर IG रवाना हो गए, कलेक्टर SP घटना स्थल पर है, लगातार मेरे संपर्क में है। तत्काल ही मेरी SDM से वहां बात हो गई थी, रायसेन से भी SDRF की टीम और आवश्यक अमला तत्काल वहां भेज दिया गया है। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग को मैंने कहा कि तत्काल जाए और राहत और बचाव कार्यों पर सीधी नजर रखे। DG, CS संबंधित जितने लोग हैं सबसे चर्चा करके हाइड्रा से लेकर बाकी उपकरण जिनकी आवश्यकता है वो वहां पहुंचाए जा रहे हैं, और अभी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि संख्या कितनी है, लेकिन घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरी ताकत से प्रशासन राहत और बचाव के कार्य में लगा है। बाकी जगह से भी सब भेजे जा रहे हैं और मैं भी इसी स्थान को मैंने कंट्रोल रूम बना दिया है और लगातार मैं सीधे राहत और बचाव कार्य के संपर्क में हूँ और बेहतर से बेहतर प्रयास करके हम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे, लोगों को बचाने का भरसक प्रयास करेंगे। मैं अब इसी काम में लगा हूं। दरअसल मुख्यमंत्री विदिशा में अपनी गोद ली हुई बेटियों की शादी के मौके पर मौजूद थे, इसलिए उन्होंने विवाह स्थल को ही कंट्रोल रूम बना दिया। वहीं से पूरे मामले की निगरानी करते हुए उन्होंने IG, कमिश्नर, कलेक्टर, SP समेत तमाम अधिकारियों को मौके पर भेजकर लोगों को राहत और बचाव कार्य तुरंत मुहैया कराने के आदेश दिए। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।